सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो न्यूज एट द रेट एट ते मैं हरुमन बाजवा ते बुलेटिन दा आगाज करते हैं। मुंबई में 1993 हुए लड़ीवार बंब धमाकियां के मामले में दोषी याकूब मेमन नूं अज सवेरे नागपुर केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई। याकूब नूं जेल सुपरिटेंडेंट योगेश देसाई की निगरानी में फांसी यार्ड में फांसी दी गई। याकूब की लाश नूं दफनाउण लई जहाज तो मुंबई ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मेमन नूं सवेरे 7 बजे के करीब फांसी दी गई ते उसकी लाश उसके परिवार को सौंपी गई, जिस तों बाद कड़ी सुरक्षा दरमियान मुंबई च याकूब मेमन नूं सुपुरदे खाक कर दिता गया। देश के इतिहास च पहली बार देर रात नूं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। 1993 मुंबई बंब धमाकियां के दोषी याकूब मेमन की फांसी नूं टालन लई उसके वकीलों ने अद्धी रात नूं आखिरी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के कुछ सीनियर वकीलों ने याकूब की फांसी से 14 दिन की रोक लगाने की मांग नूं लैके रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया। इस तों बाद करीब 3:20 ते सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे चली सुनवाई तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने सवेरे 5 बजे याकूब की फांसी नूं बरकरार रखते हुए वकीलों की पटीशन खारिज कर दी। याकूब के वकील आनंद ग्रोवर ने जबकि सरकार वालों अटारनी जनरल मुकुब रोहतगी ने दलीला दित्तियां। जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 मैंबरी बैंच ने फांसी की सजा नूं बरकरार रखा। देश के गृहमंत्री ने दीनानगर विखे हुए अत्तवादी हमले ते राज्यसभा विच अपना बयान दिता। इस मौके विरोधी धिर वल्लों रोला रप्पा पाया गया, पर गृहमंत्री ने अपना बयान देना जारी रखा। इस मौके गृहमंत्री ने पंजाब पुलिस वल्लों अत्तवादियों खिलाफ की कार्रवाई की प्रशंसा की ते पंजाब पुलिस नूं वधाई दित्ती। इस मौके उन्हां शहीद हुए पुलिस के जवानां नूं श्रद्धांजलि भी दित्ती। गृहमंत्री ने अपने बयान विच कहा कि अतवादियों को मिले जीपीएस सैटां दे अध्ययन तो पता लग्या है कि तिन्ने अतवादी रावी दे रस्ते भारत विच दाखल हुए सन। उन्हें कहा कि अतवाद खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। भारत के सबका राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम नूं अज रमेश्वरम विच सपुरदे खाक कीता गया। रमेश्वरम विच नमकखां नाल अपने चहेते नेता नूं अंतिम विदाई देने लई लोकां दा भारी इकट्ठ वेखण नूं मिलिया। पेश रिपोर्ट। सबका राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नूं अज सपुरदे खाक कीता गया। उन्हां दी आखरी झलक पाउंदे लई लोकां दा भारी हजूम उमड़ पिया, जिस विच खास करके स्कूल अते कॉलेजां दे विद्यार्थी शामिल रहे। मिसाइल मैन यानी डॉक्टर कलाम दे मृतक शरीर नूं रामेश्वरम तों करीब 20 किलोमीटर दूर पाइकर माबूच दफनाउण दे लई लिजाया गया। एक साधारण परिवार तों देश दे सर्वोच्च पद तक पहुंचण दे लई उन्हां दे सफर नूं याद करदे होए पेड़ विच मौजूद लोकां ने दस्या कि किस तरह कलाम ने उन्हां नूं वड्डे सपने देखण अते सपनियां नूं हकीकत विच बदलण लई प्रेरित कीता। डॉक्टर कलाम दे सपुरदे खाक समय भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु दे राज्यपाल डॉक्टर के रोसैया, मनोहर पारिकर अते वकाया नाडु समेत 3 सेनावां अते वख-वख जथेबंदियां मौजूद रहियां, जिन्हां ने डॉक्टर कलाम नूं राजकीय सम्मान दे नाल आखरी विदाई की दित्ती। डॉक्टर कलाम दे इस संसार नूं विछोड़ा दे जाण कारण सानूं अते साडे देश नूं कदे ना पूरा होण वाला घाटा पिया। डॉक्टर कलाम हमेशा ही अमर रहणगे। चढ़दी कला टाइम टीवी दी टीम वल्लों डॉक्टर कलाम नूं श्रद्धांजलि। न्यूज़ डेस्क तों नवनीत कौर द्योड़ा दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला टाइम टीवी। दीनानगर अतवादी हमले तो बाद अज गुरदासपुर विच शकी हालत च मिले विस्फोटक नाल सारयां नूं हत्था पैरां दी पै गई। गुरदासपुर बस स्टैंड दे सामने एक शकी लिफाफे विच बंब लपेट के रखा गया सी, जिस नाल उत्थे हफड़ा तफड़ी मच गई। खबर मिलदिया ही तुरंत भारी पुलिस फोर्स दे नाल जिला गुरदासपुर दे आला अधिकारी मौके ते पहुंचे ते इलाके नूं पूरी तरह सील कर दिता गया। इस दौरान बंब निरोधक दस्ते वल्लों मौके ते ही बंब नष्ट कीता गया। रिहायशी इलाका होण कारण इलाके नूं पूरी तरह सील कर दिता गया। मौके ते पहुंचे अधिकारियों वल्लों इसकी पुष्टि की गई। तुसी देखिया शक है, जैसा सी ओनू
जो रेते दी बोरी उन्होंने खूह ढक दिता डबल लेयर ला दी। सो जे कोई यहोजी गल होंगी भी बदकिस्मती करके तो कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, है ना। लोग असं उत्थे पासे कर दते। छोटा जी चीज़ हैगी है जिसे कोई तार नजर आती है, बंब डिस्पोजल टीम असं मंगाई हुई है, जल्दी उन्होंने चेक कर ला। कांग्रेस पार्टी के पंजाब इंचार्ज और ऑल इंडिया कांग्रेस मुख सकत्तर शकील अहमद ते पंजाब कांग्रेस के मौजूदा प्रधान प्रताप सिंह बाजवा गुरदासपुर विच होए अतवादी हमले च पिंड अत्तेपुर के शहीद पुलिस मुलाजम सुखदेव सिंह के परिवारिक मैंबर नाल मुलाकात करन पहुंचे। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिया शकील अहमद ने कहा कि यह घटना बहुत मंदभागी है। उन्होंने कहा कि यह देश ते हमला है ते मैं उन्होंने शहीदों नूं सलाम करता हां। ये देश प्यार का मन है हमारे, और स्वाभाविक रूप से इसमें जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है वो पूज्य हैं, और निश्चित रूप से हम सब लोगों को उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार ने भी कुछ किया है, हम लोगों ने भी अपनी हाजिरी दी है, और साथ में ये मांग किया है कि शायद 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपये की घोषणा हुई है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि बाला साहब की बस से एक बच्ची का ये हुआ था वो तो 35 लाख रुपया उसको दिया गया था। तो इन लोगों की शहादत तो देश के लिए हुई है, ड्यूटी करते हुए हुई है, तो स्वाभाविक रूप से मांग की है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कि 50 लाख मिलना चाहिए मिनिमम कम से कम। होशियारपुर के कस्बा तलवाराधीन पैंदी मुकेरिया हाइडल नहर विच अचानक एक कार के डिगन नाल एक ही परिवार के 5 लोगों की नहर विच डुबण नाल मौत हो गई। जानकारी मुताबिक हिमाचल वल जा रहे एक सेंट्रो कार चालक वालों कार का संतुलन खोण तो बाद बेकाबू होकर कार मुकेरिया के हाइडल नहर विच जा डिगी। इसकी सूचना मिलते सार पुलिस प्रशासन वालों मौके पर पहुंच के गोताखोरां की मदद नाल कार नूं नहर विचों बाहर कढ़िया गया। फिलहाल कार चालक नूं हस्पताल भर्ती करवाया गया। ये सभी हैं जो रामनंगल पिंड यहाँ पर था वहाँ अपना वहाँ गए थे। इस गाड़ी में दो लेडीज एंड 3 बच्चे और एक ड्राइवर था, जो वो जो ड्राइवर है वो भी इनका खास रिश्तेदार था। तो ये सभी रामनंगल से यहाँ भुंजा गेट की तरफ जा रहे थे, तो अचानक इनकी जो गाड़ी है वो ऑटो कंट्रोल हो गई। नहर से हमें एक कार तो वो जो 5 डेड बॉडी रिकॉर्ड हो गई, जब इसकी गाड़ी डिगी थी तो अचानक उसकी अपना वो उसकी बॉडी दरवाजा खुल गया, अपना फिर बाहर आ गया उसका। होशियारपुर के कस्बा मुकेरिया के सोहोड़ा कंडी चो समय सनसनी फैल गई जदों एक व्यक्ति ने अपनी दुनाली बंदूक नाल अपने आप नूं गोली मार के आत्महत्या कर ली। जानकारी मुताबिक 48 साला कुलदीप सिंह नां दा व्यक्ति जो पेशे वजों एक किसान सी रोजाना की तरह अपने खेतां चों काम करके घर वापस आया तो अपने कमरे च जाके अपने बंदूक नाल खुद नूं गोली मार ली। इस उपरांत उसकी मौके ते मौत हो गई। मौके ते पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लाश नूं कब्जे विच लैके कार्रवाई शुरू कर दी है। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ। संभावित हड़ां दौरान जानमाल की रक्षा लई रूपनगर विखे अज मोक ड्रिल करवाई गई। हड़ां दौरान संकटकालीन हालातों विच वख-वख विभागों वल्लों जो उपाय किए जाने ने उन्हां संबंधी इत्थे मिनी सकत्तरे दे कमेटी रूप विच पावर पॉइंट राही प्रदर्शित किया गया। इस मौके डिप्टी कमिश्नर रूपनगर तनु कश्यप मेजर जनरल रीटा वीके दत्ता मैक्सिपा की डिजास्टर मैनेजमेंट सैल के एसएस गिल रीटा आईएएस भी हाजिर सन। इस दौरान जिला प्रशासन वालों तैयार की पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन को वधीक डिप्टी कमिश्नर श्री कर्णेश शर्मा ने प्रदर्शित करदे दस्सिया कि इस जिले विच हड़ां तो बहुत नुकसान हुंदा है, इसलिए जरूरी है कि इस जिले के लोगों को हड़ां दौरान रक्षा लई योजना उलीकी जाए। 12 ਬੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਓਵਰ 200 ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਰਚਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈਵ ਡਾਈਵਰਸ ਗੋਤਾਖੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ।
जलंधर पुलिस नो उस वेले वड्डी सफलता हाथ लगी जद सीआईए स्टाफ शहरी दी पुलिस टीम वलो एएसआई हीरा सिंह दी अगवाई विच चार मैंबरी अजिहे चोर गिरोह नूं काबू कीता गया जिसने शहर च चोरी दीआं कई घटनावां नूं अंजाम दित्ता सी। सीआईए स्टाफ दे इंचार्ज गुरप्रीत सिंह ने दस्सिया कि इस गिरोह दे दो दोषियां नूं बल्टन पार्क कोलो चोरी दी इक मारुति कार समेत गिरफ्तार कीता गया। दोषियां वलो किते खुलासे दे आधार ते दो होर दोषियां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मौके पर एक्ट करके इन्होंने वो चोरी का कारनाम की फिर इन्होंने मजीद पुछगिछ जो की गई द्वारा थाने लिया गया। मुझली पुछगिछ इन्होंने कहा भी साढ़े का दो व्यक्ति होर घर दिन चोरिया भी अभी कर रहे हैं। इस जरा बलजिंदर सिंह काका है ये मेन इन्हों का हैगा ये गिरोह का हैड है जो मान लिया कि ड्यूरिंग रिमांड से ही पुछगिछ कर रहे हैं। उस मान इन्होंने कहा जो होर थाने कि चोरिया कितिया है पता नहीं कर देखा। फिलहाल इस बुलेटिन च इतना ही, अगले बुलेटिन च फिर हाजिर होवांगे कुछ होर खास खबरां दे नाल। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्नवाद।